Hey guys, what's up? Welcome to my channel Consumerholic. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लोनावला आ चुका हूँ and I found a new resort for just for you guys. The resort's name is Aurelio Mirida. I know थोड़ा tongue twister type का नाम है, but trust me, अगर आप plan कर रहे हैं अपने family या friends के साथ कोई resort में जाने का, this is the best resort. So इस वीडियो में मैं पूरा in detail बताने वाला हूँ कि इस रिसॉर्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती है आपको, प्लस रूम्स की प्राइसिंग क्या है, एंड ऑल्सो आपको इस रिसॉर्ट के नियर बाय टाइगर पॉइंट भी जाने मिल रहा है. सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो. सो गाइज, हम रिसॉर्ट के एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं. एज यू कैन सी, बहुत ही स्पेशियस एरिया है. आप आराम से अपनी कार या बाइक पार्क कर सकते हैं. द स्टाफ विल हेल्प यू विद दैट. एंड यहाँ पे रिसॉर्ट में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स है, थोड़ा डिज़ाइन अलग आ जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है रिसॉर्ट का. लॉबी एरिया फुल्ली एयर कंडीशनड है. यहाँ पे कैरम भी है, बीन बैग्स है, एंड प्लस आप देख सकते हो फ्लावर वेसेस है, टी पॉट है. थोड़ा डिज़ाइन अलग लगता है, विच लुक्स ग्रेट. एंड यहाँ पे लोगो है रिसॉर्ट का, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक फ़ोटो खींचने का भी एरिया बाहर इन्होंने दिया है छोटा सा, वेर इन यू कैन क्लिक फोटोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एज यू कैन सी, लव लोनावला. तो ये भी एक मेमोरी के लिए अच्छा होता है. सो गाइज, मैं आपको लॉबी एरिया दिखा देता हूँ. सो हमारा रूम थर्ड फ्लोर पे था. एज यू कैन सी, यहाँ लिखा है ट्रैवल ब्रिंग्स पावर इन लाइफ. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. कांच के नीचे इन्होंने लिखा है बीच में, एंड इनकी पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी है. आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट लगती है. एंड जो लॉबी एरिया है बहुत ही स्पेशियस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ. एंड इनका जो स्टाफ है पूरा अच्छा है, डाउन टू अर्थ है. एंड जो रिसॉर्ट है पूरा हाइजीनिक है. मैं आपको रूम बता देता हूँ. सो क्या हुआ था, जो हमारा रूम था वो चार दोस्तों का क्वाड्रोपल रूम था, बट वो बहुत ही मेसी हो चुका था. सो दैट्स व्हाई मैंने रिक्वेस्ट किया स्टाफ से, एंड उन्होंने मुझे दूसरा रूम दिया रिव्यू करने का, विच इज़ ग्रेट ऑन देयर साइड. सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रूम सर्विस के लिए फ़ोन मिल जाता है, दो रिमोट्स मिल जाते हैं, एक एसी के लिए भी रिमोट मिल जाता है, प्लस जो फैन है, और आपको टीवी भी मिल जा रहा है, उसमें सब चैनल्स है, बेसिक चैनल्स. बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, इट्स अ नॉर्मल व्यू, आपको कुछ ऐसा खतरनाक व्यू नहीं मिलने वाला, इट्स अ डिसेंट व्यू. एंड मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, हाउ इज़ द बाथरूम. तो बाथरूम भी अच्छा खासा स्पेशियस था, हाइजीनिक था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन था. सो यहाँ पे एक शावर सिस्टम मुझे बहुत डिफरेंट लगा, बिकॉज यहाँ पे 6 जगह से पानी निकलता है. देयर इज़ अ सेटिंग फॉर दैट. सो दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज मैंने ये चीज़ कहीं पे भी नहीं देखी कोई भी रिसॉर्ट में अभी तक. सो दैट वॉज रियली ग्रेट. एंड बेड भी बहुत कंफर्टेबल था. सो ओवरऑल मुझे रिसॉर्ट का बहुत अच्छा लगा रूम्स. एंड प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए बहुत जगह है. आप आराम से अपना सूट वगैरह है, आप दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, अपने फैमिली का सामान आराम से रख सकते हो. यहाँ पे आपको टी केटल भी मिल जाता है, आप कॉफ़ी या टी बना के पी सकते हो. सो गाइज, मैं आपको गार्डन एरिया बता देता हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन एरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं टू इन्जॉय. यहाँ पे ट्रैम्पोलिन है बच्चों के लिए, स्लाइडिंग है, प्लस यहाँ पे झूला भी आपको मिल जा रहा है. प्लस जो एरिया है, गार्डन एरिया बहुत ही स्पेशियस है. यहाँ पे ऑल्सो आप अपना कोई प्राइवेट इवेंट अगर जैसा है, बर्थडे है या कुछ है, तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो. ये पूरा एरिया आपको बुक करके मिल जाता है. सो दैट्स अ डिफरेंट कॉस्टिंग फॉर दैट. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पूल है. सो द पूल इज़ क्वाइट स्पेशियस, बड़ा पूल है, आराम से आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो. छोटा सा पार्ट बच्चों के लिए. यहाँ पे सिटिंग एरिया है, वो भी बहुत ही कूल लगता है. लाइक अगर आपको सनसेट एंजॉय करना है या बातें करनी है अपने दोस्तों के साथ, बॉनफायर आप जला के भी एंजॉय कर सकते हो, होटल स्टाफ प्रोवाइड कर देगा. ट्रैम्पोलिन पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं आपके फैमिली के. सो दैट्स रियली ग्रेट. सो गाइज, इनके पास एक मिनी हॉल टाइप एरिया भी है. आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, जैसे कि पार्टी हो गया, बर्थडे हो गया, या प्रेजेंटेशन या सेमिनार, जो भी हो गया. सो आप सब चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो. एंड फुली एयर कंडीशनड एरिया है, अच्छा खासा स्पेशियस है. सो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है एक रिसॉर्ट में होना. एंड इनके रिसॉर्ट में रूम का स्टार्टिंग प्राइस है 1800 इंक्लूडिंग टैक्सेस. सो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप का रूम सिलेक्ट करते हो, प्लस ये चेंज होते रहता है एज पर सीज़न. एंड मैंने मेरी रूम की बुकिंग मेक माई ट्रिप से की थी. सो आपको मैं मेक माई ट्रिप का लिंक, इनके रिसॉर्ट का वेबसाइट का लिंक, प्लस इनके रिसॉर्ट का फुल एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. आप वहाँ से चेकआउट कर लेना. ये आप देख सकते हैं, अगर आप कोई इवेंट इनसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आपको एक और स्पेस मिल जाता है वेयर इन बुफे सिस्टम लग जाता है, प्लस सिटिंग एरिया भी है. तो ये एक और एयर कंडीशनड एरिया है, विच इज़ रियली ग्रेट.
ऑल्सो गाइज, रूम का कॉस्टिंग भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो आप वो भी चेकआउट कर लेना। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पब्लिक वॉशरूम है जो स्टाफ और जो रिसॉर्ट में स्टे कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड ये कैंटीन एरिया है, अगर आपके रूम में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है या आपको कुछ अलग से डिनर करना है ऑर्डर करके यहाँ से, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कैंटीन एरिया में आके खा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट्स कंज्यूमरहोलिक। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, बहुत लेट हो रहा है आजकल वीडियोज़ डालने में, बट आप ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो, मैं और अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए लाऊंगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। एंड गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चंस होगा आप कमेंट्स में पूछिए, मैं सब आंसर कर दूंगा। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, यू गाइज हैव अ ग्रेट डे अहेड।